लोग कहते हैं जीना मरना भगवान के हाथों में है। कहते हैं ना समय सब कुछ बदल कर रख देता है। आज के दौर में विशेषिल अग्नि प्रभावित में रह रहे लोगों के लिए भगवान बना हुआ है। यह बात आपको अटपटा सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन आपको बता दूं घनुडी मल्हा के बस्ती के लोग मौत के मुंह पे रहने पर विवश हैं। घनुडी ओपी क्षेत्र के घनुडी मोहरी बांध में शनिवार की देर रात्रि सूरज निषाद की पत्नी मालती देवी घर के बाथरूम में शौच के लिए गई थी। जमीन के अंदर लगी आग और गैस के कारण जमीन धस गया। महिला जमींदोज हो गई। बाथरूम की चार दीवारी महिला पे गिर गया। महिला को किसी तरह से लोगों ने निकाल कर धनबाद के नर्सिंग होम में भर्ती कराया है। महिला की स्थिति गंभीर है। महिला को काफी चोट लगी है, पैर टूट गया है। महिला का शरीर निकलने के दौरान घर में काफी खून गिरा हुआ है। घटना का आंखों देखा हाल मालती देवी के पुत्र नमन कुमार ने बताया कि मेरी माँ शौच के लिए गई थी, तभी जमीन धस गया और माँ जमीन के अंदर जाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। बगल पड़ोसी रेशमी देवी आवाज सुनकर आई। रेशमी देवी ने बताया कि रात मोहल बन्नी घाट से कुछ लोग सब जलाकर आ रहा था। आवाज सुनकर सभी लोग आए और मालती देवी को बाहर निकाला, जहां इलाज के लिए आनन फानन में भर्ती कराया गया। घनुडी मोहरी बांध के लोगों पर हर वक्त मौत मंडराता है, फिर भी विशेषल प्रबंधन और जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि विशेषल और जिला प्रशासन जानबूझकर मारना चाहती है, सिर्फ नोटिस चिपका कर चली जाती है। आज तक हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का काम नहीं किया, नहीं हटने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कहते हैं। जब तक हम लोगों को घर नहीं देगा तो हम लोग कैसे घर छोड़कर यहाँ से जाएं? हम लोग हर मिनट जिंदगी और मौत से गुजरते हैं, डर से बैठ गए हैं कि ना जाने कब जमींदोज हो जाएं, कब पताल में समा जाएंगे। आखिर क्यों विशेषल और जिला प्रशासन हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज नहीं रही है? अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो जिला प्रशासन और विशेषल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। विशेषल प्रबंधन की इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक घटना स्थल पर सूद लेने तक कोई नहीं पहुंचा। रात को 1 बजे मेरा वाइफ बाथरूम करने निकली थी, बाथरूम के दीवार गिर गया, उसका शरीर में पूरा पैर पूरा डैमेज हो गया है, बेहोश हो गई थी। और हमने रात को 1 बजे रात को पातीपुर नर्सिंग होम में भर्ती कराया है और इसके कारण सभी तक बेहोश है। और वहाँ के लोग अभी भी प्रशासन लापरवाही करता है और आपका बीसीसीएल का जो प्रबंधक है वो भी लापरवाही करता है। अभी बहुत कल भी गए थे हम लोग, पीओ आता नहीं है। पीओ बोलता है कि हम दूसरा कोलवारी की जिम्मेदारी लिए हैं, कहाँ से दो तीन का जिम्मेदारी। जब जाते हैं पीओ से मिलने जाते हैं तो पीओ भेंट नहीं होता है, और जब जाते हैं जीआईडी ओपी तो बोलता है कि बीसीसीएल को जाकर वहाँ से बोलिए आप कौन पूछने वाले हैं। और जब यहाँ जाते हैं तो बोलता है हम पेपर भेज दिए हैं जीआईडी ओपी। और लोग कभी करीब 25-30 घर के लोग रहते हैं अभी प्रेजेंट में। घटना कभी भी हो सकता है, घटना तो हो गई, इससे खतरनाक भी घटना हो सकता है। अधिकारी लोग एक दूसरे पर ध्यान लगा रहे हैं, हाँ। जिम्मेदारी लगा रहे हैं। जी हाँ। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है सूरज निषाद, वाइफ का नाम है मालती देवी। हादसा हुआ, मेरी देवरानी है, छोटी देवरानी। क्या नाम उसका? मालती देवी। क्या हुआ उसके? क्या हुआ, दीवार के बगल में फटा हुआ था, उसमें पूरा सारा शरीर घुस गया, ऊपर खाली मुंडी जना रहा था। मुंडी जनाने के बाद मेरा छोटा बच्चा उठा, चिल्लाया मम्मी मम्मी, मेरे मम्मी का बच्चा पूरा गांव वाला के चिल्ला के इकट्ठा किया। नहीं, कभी भयानक स्थिति है। हाँ, भयानक स्थिति, उसका भी तो सीरियस हालत है। नहीं, आग गैस निकल रहा है। हाँ, आग तो निकल, तो धाए धाए लहक रहा। तो बीसीसीएल क्यों नहीं हटा रहे आप लोग? बीसीसीएल क्यों नहीं हटा रहा? बीसीसीएल नहीं समझेगा? बीसीसीएल लगा दो चारों को जान मारेगा तब हटाएगा? बीसीसीएल का तो 5 साल से यही डायलॉग बोल रहा। आप लोगों को सर्वे हो चुका है? सर्वे हो गया है, 2 साल पहले सर्वे किया, अभी तक घर नहीं मिला। आप लोग को नहीं हटा रहे, सुरक्षित स्थान पर नहीं भेज रहे, किसी तरह का हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार बीसीसीएल होगा। प्रशासन जाते बोल रहे कि बार बार नोटिस दे चुके। तो नोटिस देने से क्या हो? नोटिस देने से क्या हो? कहाँ जाए हम लोग, रोज कमाने खाने 3,000-5,000 भाड़ा कहाँ लगाने जाए? अपना औकात रहता है तो नहीं भाड़ा का। 2,000 महीना कमाता है तो 5,000 भाड़ा कहाँ से देने जाएंगे? आप यही रहते हैं? नहीं, हम लोग तो यही टूटा फूटा घर, तब हम लोग भागे हैं, कहीं भाड़ा घर में लेकर रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुमन देवी। आपका क्या कुछ हुआ? जैसे कि हम लोग तो रहते हैं आपको बेलगड़िया में रहते हैं हम, और हमारा जो भाई लोग का है, ये लोग को क्वार्टर मिला नहीं, तो ये लोग यहाँ रहता है अपना, किसी तरह रह रहा है, गरीब आदमी कहाँ से जाएगा। तो रात में वो मेरा भाई का वाइफ यानी पत्नी
बाथरूम गई थी, बाथरूम गई थी करीब 1 से 1.5 बजे, उसी के ऊपर से दीवार गिर गया पूरा बॉडी पर, खाली मुंडी बचा हुआ इतना। उसका पूरा दीवार गिरने के बाद किसी तरह से लोग के बगल का गेट है मोहरमनी लाश जलाने के लिए, उस समय आदमी उस समय आदमी लोग लड़का लोग आया और ईंटा को तोड़ तोड़ के बॉडी को निकाला गया। बॉडी को निकालने के बाद उसको पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में उसको भर्ती कराया गया। राज स्थिति इस तरह है कि उसका पूरा गंभीर स्थिति है, समझ सीरियस है, पूरा हड्डी उड्डी टूट गया है, पैर का हाथ का जो भी है। डॉक्टर बोला कि पूरा इसका बॉडी से लेके इसका एक्सरे करना होगा। और बताइए हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे? डॉक्टर बोलेगा 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, कहाँ से ला के देंगे हम लोग? बेरोजगार कहाँ से देंगे हम लोग? प्रबंधन ने कहा कि नोटिस दे दिया है, फिर भी नोटिस दिया है, नोटिस देने से घर दे, घर देगा तबे ना। नोटिस देने से खाली नहीं होगा। आखिर आप लोगों क्यों नहीं बेलगड़े शिफ्ट किया जा रहा है? बेलगड़िया शिफ्ट हम लोग को मिलेगा, जनेडा वाला समझेगा ना, जनेडा वाला समझेगा ना। अगर इस तरह की घटना है तो जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार जनेडा और बीसीसीएल है। जो जिसके साथ हादसा हुआ कौन है आपके? मेरा छोटा अथी है, मेरा भाई छोटा सूरज निषाद, उसका बीबी है। क्या नाम है उसका? मालती देवी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रविलाल निषाद।